सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस एसपी गठबंधन के ऐलान में देरी हो रही है। कांग्रेस अमेठी रायबरेली की सभी 12 सीटें चाहती है, जबकि एसपी का कहना है कि 12 में से 9 विधायक उसके हैं, लिहाजा ये सीटें एसपी के खाते में जानी चाहिए और इन सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है, पेच फंसा हुआ है और इसी पेच के फंसे होने की वजह से इसका औपचारिक ऐलान होने में लगातार देरी हो रही है। 10 वजह है पेच फंसने की। पहली वजह, रायबरेली और अमेठी की जो सीटें हैं उनको लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस सभी सीटें चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि 9 तो उसके सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस रायबरेली अमेठी को सोनिया राहुल का गढ़ बता रही है और इसी बात को कहते हुए कांग्रेस की मांग है कि यहां की सभी सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाएं। तो 10 वजह क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, ये पहली वजह है। दूसरी वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि सोनिया और राहुल का गढ़ ये दोनों सीटें हैं और इन यहां पर जो 12 सीटें माफ कीजिएगा वो कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए। तीसरी वजह आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी हवाला दे रही है कि पिछले चुनाव में इन यहां की 9 जो सीटें हैं उनमें समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई, यानी कि 12 में से 9 तो समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, इसलिए ये सीटें उनके खाते में जानी चाहिए। ये चौथी वजह है। अब पांचवी वजह आपको बताते हैं, इसके अलावा पश्चिमी यूपी और लखीमपुर खीरी की 25 सीटें हैं उन्हें लेकर भी इस वक्त पेच फंसा हुआ है। इन 25 सीटों पर या तो एसपी के विधायक हैं या फिर पार्टी दूसरे नंबर पर रही है और इस लिहाज से ये सीटें समाजवादी पार्टी चाहती है कि उन्हें मिल जाएं। कांग्रेस लखनऊ कैंट सीट पर अपना उम्मीदवार चाहती है। लखनऊ कैंट सीट को लेकर भी एक पेच फंस गया है, क्योंकि 2012 में लखनऊ की सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि यह सीट उन्हें दे दी जाए। लेकिन यहां पर पेंच यह फंसा हुआ है कि लखनऊ कैंट सीट से मुलायम की बहू अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाया गया है और इसीलिए यह सीट सपा छोड़ना नहीं चाहती है। दसवीं वजह, समाजवादी पार्टी पिछले प्रदर्शन के आधार पर ही कांग्रेस को सीट देना चाहती है, यानी कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि पिछले चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था उस प्रदर्शन के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होना चाहिए, जिसको लेकर इस वक्त लग रहा है कि आखिरी सहमति नहीं बन पा रही है। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या 10 वजह हैं पेच फंसने की वो तो हमने समझ लिया, लेकिन अब रास्ता कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टियां गंभीर हैं, लेकिन ये जो 10 वजह है ये बहुत ही अहम वजह है जिसको लेकर बात बन नहीं रही है। तान्या, एक बात आप देखिए कि हर दिन किसी न किसी बड़े नेता का बयान आता है कि बस इसकी घोषणा होने वाली है। कल आपने देखा कि किस तरीके से किरण भाई नंदा ने यह बयान दिया कि कल इसकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई घोषणा क्यों नहीं हो पाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के जरिए खासतौर पर अमेठी और रायबरेली में जो उनके मंत्री हैं गायत्री प्रजापति और मनोज पांडे, उनके लिए दावेदारी की है। और ये भी उस पत्र में कहा गया है कि जो लोग इनके मजबूत लोग हैं उनकी जगह दूसरों को अगर आप कैंडिडेट बनाते हैं तो उससे आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां की जनता नाराज होगी। बार बार बताने के बाद भी कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि अमेठी और रायबरेली में वो कोई भी सीट छोड़ना चाहते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से गायत्री प्रजापति भी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता संजय सिंह का भी बयान आया कि अमेठी और रायबरेली से हम सभी सीटें लड़ेंगे और हमारी इसको लेके बातचीत फाइनल हो गई। इसके बाद मुलायम सिंह को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है इस गठबंधन के देर होने में। कहा जा रहा है कि 2 बजे प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर आने वाले हैं और मुझे लगता है कि बातचीत करके कोई नया रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि गठबंधन की जल्दी से जल्दी घोषणा। चलिए, उम्मीद की जा रही है कि जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उनको लेकर कोई आखिरी सहमति आज बन जाए और अगर गठबंधन हो रहा है तो उसका ऐलान भी हो जाए, क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक पहुंच गए हैं। अरविंद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।